जनता दरबार में लगाई फरियाद, सीएम के निर्देश पर अवैध कब्जे को कराया गया मुक्त। विश्व हिंदू महासंघ के अधिवक्ता प्रकोष्ठ मंत्री मयंक शर्मा ने नए पदाधिकारियों को किया नियुक्त, फूलमाला पहनाकर सदस्यों को किया शामिल। जीएसटी छापेमारी का समर्थन करने वाले व्यापारी को मिल रही धमकी, पुलिस प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की उठाई मांग। चंदौली जिलाधिकारी ईशा दुहन ने लगाई जन चौपाल, सरकारी योजनाओं स्वास्थ्य के प्रति लोगों को किया जागरूक। सराफा व्यापारी से हुई लूट का सफल अनावरण, प्रधान गैंग के चार सदस्य हुए गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और एक ट्वीट में कहा कि वीर बाल दिवस पर श्री गोविंद सिंह जी महाराज के शहीद बाजादों के बलिदान को कोटि कोटि नमन और साहिबजादों का पावन बलिदान युगो युगोत्तर राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हम सभी को प्रेरणा प्रदान करेगा। आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित 26 दिसंबर की तिथि को साहबजादा दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में आयोजित करने के मुख्यमंत्री आवास के इस कार्यक्रम में आप सब पधारे हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए और हम सब के लिए यह दिन सिख गुरुओं के प्रति और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों के बलिदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर है। सिख गुरुओं का जो त्याग था, जो बलिदान था, वह तो एक प्रेरणा है ही, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने चार चार साहबजादों को भारत की धर्म, भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान किया। संभल जिले के अहरोला गांव निवासी राम जलेबी की 1.5 बीघा जमीन पूर्व प्रधान ने 2021 में अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। पीड़िता ने 700 किलोमीटर का सफर तय कर गोरखपुर में सीएम योगी के जनता दरबार पहुंचकर समस्या से अवगत कराया। सीएम योगी के निर्देश के बाद डीआईजी ने दो दरोगा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए। पीड़िता की जमीन को डीएम मनीष बंसल, एसपी कृष मिश्र नेतृत्व में कब्जे से मुक्त कराया और बाउंड्री भी कराई, भविष्य में जमीन पर अवैध कब्जा न किया जा सके। जमीन कम मिली, 10 बीघे से कम। अच्छा, टोटल कितनी है आपकी? टोटल में 3 बीघा। अच्छा, 3 बीघा तो आप मिली कितनी है? मिली 10 बीघे से कम, 3 बीघा आते हैं और पल्ला कर गया खत्म। अच्छा, अब कौन आया है आपकी जमीन देखने? अब मेरे एसडीएम साहब आए। और कौन है? सीओ साहब हैं। और नेपाल साहब हैं। क्या डीएम भी आए हैं? अच्छा, अब क्या क्या गए हैं ये? तो आपको अब तक जो जमीन मिली है, क्या उससे आप संतुष्ट हो? कहा हमारी पूरी हो गई? अब आप आगे कहाँ शिकायत करेंगे फिर? आगे शिकायत कराऊंगी कि जो मैं पट्टा खाज होना चाहिए। अच्छा, आपकी इस जमीन पर किसी और का पट्टा हो गया है? जे पट्टा है, जब पट्टा बारे ने मुकदमा लिखा था, 3 मुकदमा लिखे था मोबाइल में लड़के पे। ये पट्टे वाले हैं कहाँ के रहने वाले? अरोला निवासी। जे अरोला निवासी। रायबरेली सदर भाजपा विधायक अदिति सिंह पर गांव के ही मुन्ना चौहान ने 6 बिस्वा जमीन अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित मुन्ना चौहान ने कहा कि जिला प्रशासन स्तर पर शिकायत की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरे साथ किसी भी अनहोनी होने पर भाजपा सदर विधायक को ही जिम्मेदार माना जाए। पीड़ित ने न्याय नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी है।
विश्व हिंदू महासंघ के अधिवक्ता प्रकोष्ठ प्रदेश मंत्री मयंक शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। प्रदेश मंत्री राजेश शुक्ला, जिलाध्यक्ष मुकेश शिवहरे, गौरक्षा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष धीर सिंह सेंगर, जिला महामंत्री नीलेश सिंह, तिंदवादारी नगर प्रभारी ताराचंद, नगर अध्यक्ष योगेश कुमार, ब्लॉक संयोजक अंकित पाल को नवनियुक्त पदाधिकारी की घोषणा की गई और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश मंत्री राजेश शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ की जिस पर निष्ठा होगी वो हमारे साथ रहेगा। नगर से लेकर गांव में संगठन को मजबूत कर प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह गंगवार के नेतृत्व को मजबूती प्रदान करना और हिंदुत्व मिशन को परम वैभव तक पहुंचाया जा सके। आज विश्व हिंदू महासंघ का यहाँ पे गठन किया गया है नगर टीम का और साथ में जो है यहाँ आज पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। कार्यक्रम में हमारे प्रदेश मंत्री राजेश शुक्ला जी, संभाग प्रभारी शिवविलास शर्मा जी, बांदा जिला अध्यक्ष मुकेश शिवहरे जी व बबेरुन नगर ब्लॉक टीम और साथ में बांदा के सभी पदाधिकारी और साथ में जो है पूरे इंदुवारी के कार्यकर्ता बंधु व पदाधिकारी सम्मिलित होकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मैं मुकेश शिवहरे, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ बांदा। आज विश्व हिंदू महासंघ के तिंदवारी में आज बैठक की गई तथा सारे पदाधिकारियों को यहाँ के आसपास के जो भी थे सारे पदाधिकारियों का आज मनोनयन किया गया। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे सभी लोगों को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। आदि पुरुष महाराजा आईबरन की जयंती पर बनवाल सभा के अध्यक्ष देवेश कुमार बनवाल के नेतृत्व में ठठेरी बाजार के आईबरन चौराहे पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं बच्चे उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष बबिता जायसवाल ने प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। महाराजा आईबरन की शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान पहुंची। इस दौरान अनुयायियों ने यात्रा की आरती उतारकर पुष्प वर्षा भी की। शोभा यात्रा के समापन पर सामूहिक भोज का आयोजन हुआ जिसमें सभी धर्मों और समाज के लोगों ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बनवाल सभा के कोषाध्यक्ष नरेंद्र कुमार बनवाल ने जयंती पर हर्ष व्यक्त किया और कहा कि महाराजा आईबरन की जयंती पर विश्व में शांति की प्रार्थना करते हैं। आज हमारे आदि पुरुष महाराजा आईबरन जी की जयंती है। आगे बताइए, पूरा बताइएगा। 26 दिसंबर हमारे आदि पुरुष महाराजा आईबरन जी बनवाल समाज के वंशज, उनकी आज जयंती थी और आज हम लोग उनकी जयंती मनाने के लिए सभी लोग एकत्र हुए और शोभा यात्रा निकाले। ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ भ्रमण किए, क्या इसका उद्देश्य रहा जो आज निकाले हैं? शोभा यात्रा हमारी आईबरन चौराहे से प्रारंभ होकर सब्जी मंडी, अस्पताल गेट होते हुए, जीएन रोड होते हुए, डाकखाना चौराहा, सायगंज चौराहा होते हुए, चौक घंटा घर होते हुए आईबरन चौराहे पर समापन इसका हो रहा है। और इसका उद्देश्य अपने आदि पुरुष योद्धेगढ़ के प्रवर्तक बनवाल जाति के आदि पुरुष महाराजा आईबरन जी का जन्मदिन मनाना है जिससे हम समाज को संगठित कर सकें, समाज का विकास कर सकें और आगे बढ़ सकें। खबर गोरखपुर से है जहां जीएसटी छापेमारी का समर्थन कर रहे किराना में व्यापारी मनीष जैन को किराना कमेटी के अध्यक्ष, महामंत्री और पदाधिकारियों ने कमेटी से हटाने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी है। व्यापारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान दुकान नहीं बंद करने पर दूसरे व्यापारियों पर लगी 50 लाख रुपए की पेनल्टी भरने का दबाव किराना कमेटी के लोग बना रहे हैं। किराना व्यापारी मनीष जैन ने पुलिस अधिकारियों से मिलकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पहले तो मैंने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हुई है लेकिन आज मैं समाज की द्वारा हो मेरा जो उत्पीड़न हो रहा है उसके संदर्भ में प्रेस वार्ता करना चाहता हूं। एक आम नागरिक को उससे जीने का अधिकार छीन लिया जा रहा है, उसके व्यवसाय को चलाने का अधिकार छीन लिया जा रहा है। अपने हृदय से जिसको मैंने अपना मुखिया चुना, नेता चुना, अपना सब कुछ मानता हूँ, माननीय पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी को मैं अपना गार्जियन मानता हूँ, उनको वो मानने से मेरा अधिकार छीना जा रहा है।
माँ लक्ष्मी ज्वेलर्स व्यापारी से हुई लूट का लखनऊ पुलिस अधिकारियों ने खुलासा करते हुए प्रधान गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूट के आभूषण, नकदी, अवैध पिस्टल, कारतूस और घटना में प्रयुक्त 2 बाइक बरामद किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कुछ दिन पहले लुटेरे हवाई फायरिंग का सराफा व्यापारी से जेवरात, नकदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे। व्यापारी की थाने में तहरीर पर पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया और बताया कि सभी बदमाश शातिर बदमाश हैं। व्यापारियों को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। लूट का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधिकारियों ने 25,000 रुपए का इनाम की घोषणा भी की है। प्रधान गैंग के नाम से इनका फेमस है ये गैंग, और ये गैंग की खासियत ये कि केवल ये जो सोनार होते हैं उनके साथ ही ये लूट या टप्पेबाजी को ये अंजाम देते हैं। ये लूट का माल ये अलग अलग स्थानों पर बेचते थे। अभी जो, जैसा कि मैंने बताया, अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है हमारी, उससे पता चला है कि ये लोग ले जा करके जो है इसको उड़ीसा में, यहाँ पर कुछ इनके कुछ स्थान फिक्स थे, कुछ लोग फिक्स थे। ये यूजुअली सोनार को ये लोग माल नहीं बेचना प्रेफर करते थे। ये लोग कुछ लोगों के माध्यम से अपना सामान जो है वो डिस्पोज ऑफ करते थे, और ये देखा करके कि ये हमारी निजी संपत्ति और इसको हम लोगों को डिस्ट्रेस सेल करना है, इसको हम लोगों को बेचना है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद गाजियाबाद जिले को पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में शामिल किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। डीसीपी कोर्ट, एसपी कोर्ट का निर्माण और डीसीपी एसीपी पुलिस अधिकारियों के पद का बंटवारा हुआ। कई अधिकारियों की नियुक्ति के साथ ही उन्हें प्रमोशन भी किया गया। गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्र लोनी में नए कोर्ट का उद्घाटन किया गया। इस दौरान 107, 116, 151 धाराओं के उल्लंघन पर डीसीपी और एसपी कोर्ट में सुनवाई की गई। जनपद में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद जो पहले चरण में इस समय लोनी में हम लोगों ने यहाँ पर कोर्ट स्थापना की है, और यहाँ पर एसीबी वेव सिटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर रही हैं, और उनके द्वारा 3 सर्किल्स का, जिसमें लोनी, साहिबाबाद एवं इंदिरापुरम, यहाँ के जो मामले हैं उनका यहाँ पर सुनवाई की जाएगी। तो उसके संबंध में यहाँ पर पूरा कार्य कर लिया गया, और आज फॉर्मली इस कोर्ट का एक तरह से शुरुआत इसमें की जा रही है। अलीगढ़ में सनातन प्रतिभा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सनातन धर्म के लोग मंदिर में तुलसी पूजन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे। इस दौरान मंदिर परिसर में ही कुछ महिलाएं सांता क्लॉज की पोशाक पहनकर क्रिसमस डे मनाने पर दोनों पक्षों की जमकर कहासुनी हो गई। सनातन प्रतिभा फाउंडेशन के अध्यक्ष ने थाने में महिलाओं के खिलाफ शिकायत की जानकारी दी है। महामंडलेश्वर कौशलनाथ ने मंदिर परिसर क्रिसमस डे मनाने का विरोध किया और हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ बताते हुए कार्यवाही की मांग की। औरतों के बारे में बोलना नहीं चाहिए। एक स्त्री का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि स्त्रियों को आगे बढ़ाया जाए। स्त्रियों के लिए मैं प्रतिदिन काम भी करता हूँ। वो स्त्रियाँ, एक तो मैं समझाता हूँ, ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगाने से लगे पड़े हैं। तो मैं, आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, सबसे बस इतना सा कहना चाहूँगा कि इस तरीके की चीज़ें जहाँ भी आपको दिखें, आप प्लीज़ उस पर काम कीजिए। अपने जो भी आसपास की चौकी हो उन लोगों को इसके बारे में सूचित कीजिए और पूरा पूरा विरोध कीजिए, क्योंकि हम हिंदू हैं, भारत में रहते हैं, और यहाँ पर इस तरीके की हरकतें नहीं चलेंगी। और आपको गर्व से कहना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं। ये बहुत निंदनीय करते हैं महिलाओं का, इस तरह से मंदिर परिसर को दूषित करना, क्योंकि मंदिर है, जैसे कि सुनवाई में आया कि माता रानी के मंदिर में कुछ महिलाओं ने क्रिसमस का आयोजन किया है। तो माता रानी का मंदिर है, आप माता की चौकी कराइए, जागरण कराइए, भजन कीर्तन कराइए, उसमें आनंद लीजिए। ये दूसरा त्योहार मना के मंदिर को दूषित क्यों किया जा रहा है? क्या चर्च में कभी हनुमान चालीसा का पाठ होता है? क्या दुर्गा सप्तशती होती है? क्या जागरण माता की चौकी कभी करवाई है किसी ने चर्च में, किसी मदरसे मस्जिद में करवाई है? नहीं। तो मंदिरों को ये ऐसा निशाना क्यों बनाया जाता है? हर वक्त एक मजाक बनाया जाता है धर्म का, कि महिलाएं हैं, मात्र शक्ति है वो स्वयं में, और मात्र शक्ति पीठ में इस तरह का कार्य कर रही हैं। तो हम कहें तो किससे कहें, जिन पे समाज की जिम्मेदारी है, जिम्मेदार महिलाएं ये कार्य कर रही हैं, तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? चंदौली जिलाधिकारी ईशा दुहन के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 तहसीलों के गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन हुआ। चौपाल कार्यक्रम में स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों की मेडिकल टीम ने बीपी, शुगर की निशुल्क जांच की और जनता की शिकायतों को निस्तारण के आदेश दिए।
कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी समेत तहसील अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी महोदया चंदौली के निर्देश में प्रथम चरण में विकास खंडों में चलो चंदौली प्रशासन गांव की ओर का आयोजन किया गया था। अब दूसरे चरण में चलो चंदौली अभियान के अंतर्गत चलो चंदौली ग्राम चौपाल प्रशासन गांव की ओर का अभियान का आज से शुभारंभ हुआ है। जनपद के सभी 9 विकास खंडों में, 5 तहसील के 9 विकास खंडों में 734 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में हम लोगों ने 100 ग्राम पंचायतों का चयन किया है। रामपुर के सोना गांव में ईसाई धर्म के पादरी पोलुस मसीह ने क्रिसमस त्यौहार की प्रार्थना सभा की आड़ में कुछ अनुसूचित के लोगों का धर्मांतरण करवाया। धर्मांतरण की सूचना पर स्थानीय निवासी राजीव यादव ने पटवाई थाने में पादरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा। पुलिस अधिकारियों ने धर्मांतरण मामले में तत्वरित कार्यवाही करते हुए पादरी पोलुस मसीह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया और धर्मांतरित हुए लोगों की जाँच के आदेश दिए। थाना अध्यक्ष पटवी हरिंदर यादव को आज सूचना मिली थी कि ग्राम सोना थाना पटवी में एक पादरी हैं जिनका नाम पोलुस मसीह है और ये सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये गांव में कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोगों को, और धर्मांतरण कराने का प्रलोभन दे रहे हैं लोगों। इस पर थाना अध्यक्ष ने तत्काल कार्रवाई की और ये पादरी है इसे गिरफ्तार कर लिया और राजीव यादव जो पटवे के रहने वाले हैं उनकी तहरीरी सूचना पर मुकदमा कायम कर इन्हें कल जेल भेजा जाए। ब्लॉक सभागार में दैनिक जागरण के तत्वाधीन में किसान गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लालगंज उप जिलाधिकारी अजीत प्रताप सिंह, लालगंज वीडियो अंजू रानी वर्मा ने मल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। उन्होंने किसानों को खेती करने के तरीके, आवश्यक चीजें जिससे फसल उगाने में लाभ हो सके, सैकड़ों की संख्या में किसान और महिलाओं ने संगोष्ठी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कृषि विभाग के अधिकारी, किसान गुट्टू के पदाधिकारी रजोल दद्दू प्रधान कार्यक्रम में मौजूद थे। खबर अयोध्या से है जहां तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगदुपुरम हंसाचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चार कर अभिनेता शाहरुख खान के 13वीं संस्कार किया और पोस्टर जलाकर विरोध किया। शाहरुख खान के फिल्म पठान में दर्शाए गए चित्र को लेकर परमहंसाचार्य ने कहा कि शाहरुख खान के फिल्म पठान ने भगवा रंग को ठेस पहुंचाया है जिस पर संत समाज को आपत्ति है। परमहंसाचार्य ने दावा किया कि अमेरिकी की खुफिया लिस्ट अलकायदा को फंडिंग, देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म का विरोध करने की अपील की। ये शाहरुख खान ने जो फिल्म पठान बनाया है उसमें भगवा रंग को जिस तरह से इसने बेशरम रंग बताते हुए, तो उससे हम लोगों को आपत्ति रही और उसका विरोध करते हुए हम लोगों ने फिल्म के बैन करने की भी मांग उठाई और उसका वाई काट करने का हम लोगों ने धर्मादेश भी जारी किया है। साथ ही साथ में हमने फिल्म जिहादी शाहरुख खान का जो है पुतला दहन किया था। आज 13 दिन पूरा होने पर हमने शाहरुख खान की 13 ही किया है। यह शाहरुख खान वही है कि जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए इसने चंदा तक इकट्ठा करके वहां ले गया, लेकिन जब अपने देश उत्तराखंड में बाढ़ आई तो यह शाहरुख खान एक रुपए भी नहीं दिया। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।